नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें और इस घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ट्रीटमेंट कैसे करें, यानी कि रेकी ट्रीटमेंट के टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, नॉलेज बहुत होती है लोगों के पास, लेकिन टेक्निक नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टेक्निक से, जैसे IAS के एग्जाम को पास करने के लिए या CPMT के एग्जाम को पास करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए पूरे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। आप पास कर जाएंगे, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल माइंड नहीं है तो पास नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से रेकी में भी टेक्निकल माइंड जरूरी होता है। तो रेकी में कैसे टेक्निकल माइंड यूज करें, टेक्निकल टेक्निक्स तरीके, तो सबसे पहले तो कोई पेशेंट आपके पास आता है या आपको अपने घर के किसी पेशेंट को करना है, सपोज करिए किसी पेशेंट को करना है, वो आपके पास आता है तो आप आते ही उसकी हीलिंग शुरू मत कर दीजिए, उससे कुछ जरूरी चीजें पूछताछ कीजिए कि कब से है। जैसे डॉक्टर पूछता है पूरा कब से है, क्या होता है, क्या फंक्शंस है, क्या सिम्टम्स है, वो सब बता देगा। जो भी है पेशेंट जो आपके पास आता है वो सब बता देगा। उसके बाद चेक कीजिए, दिमाग में लगाइए अपने, सोचिए कि उसको जो बीमारी है वो किस चक्रा से रिलेटेड है। सेवन चक्रा को चेक कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा। इन सातों चक्रों को आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर वो बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, परेशान रहता हूं, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आप देखिए कि नींद नहीं आती इसका मतलब ये है कि उसके मन के अंदर ढेर सारे उथल पुथल होंगे, विचार चल रहे होंगे, इसलिए नींद नहीं आ रही है। और डिप्रेशन में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि माइंड के अंदर बहुत होंच पहुंच है, तो उसके थर्ड आई और क्राउन चक्रा को क्लींज कीजिए। वो प्रॉब्लम उसके थर्ड आई और क्राउन चक्रा से रिलेटेड है तो क्लींज कीजिए पहले रेकी से। उसके बाद उसके सोलर प्लेक्सस को रेकी से क्लींज कीजिए, साफ कीजिए। सिंपल है, हे रेकी एनर्जी, मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं इनकी क्लींजिंग कर सकूं। सिंपल, तीन बार बोल के और क्लींज करना शुरू करेंगे। नमक पानी, सॉल्ट वाटर रख लेंगे, उसमें सारा नेगेटिव एनर्जी डाल देंगे और सोलर प्लेक्सस को, थर्ड आई को और क्राउन चक्रा को दो दो मिनट क्लींज कीजिए। और उसके बाद से सेहे की लगाइए, वहां पे चक्र पे सेहे की लगा के चोकू रे लगा के क्लींज करके और स्टेबलाइज 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 कर दीजिए। क्लींज कर देंगे तो 50% तो वैसे ही आराम हो जाएगा उसको। उसके बाद फिर तीनों सिंबल लगा के, या सिंबल नहीं जानते हैं, चार सिंबल आपके पास जितने भी और ऊपर के सिंबल है, जैसे जोनार है या शांति है, तो उसको भी लगाइए। उसके मेथड्स हमने दूसरे उसमें बताए हुए हैं, तो आप उससे भी ले सकते हैं, दूसरी वीडियो में है तो उसको भी देख सकते हैं। और 5-5 मिनट सभी तीनों चक्रों को हील कर दीजिए और उसी समय वो बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा कि मैं इसी समय बहुत ही रिलैक्स हूं, बहुत गुड फील कर रहा हूं, शांत हूं, आराम से हूं, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। और उसे भेज दीजिए। आपको अपना ही करना है तो अपना इस तरह से करिए, किसी और को करना है तो इस मेथड से करिए, इस टेक्निक से करिए। और उसको बोल दीजिए जब वो सोए, उसको टेक्निक बताइए, जब वो सोने जाए तो अपनी जीभ को तालू में लगा ले, जैसे ऐसे आंख बंद करके लंबी गहरी सांस ले सोने के टाइम पे और सीधा पीठ के बल सोए। उस पेशेंट को ऐसे बोलिए कि पीठ के बल सोए, आराम से शरीर को बिल्कुल शवासन में कर दे, शवासन, हाथ और पैर बिल्कुल सीधे, रिलैक्स और लंबी गहरी सांस ले, जीभ को तालू में चिपका ले और ऐसा ही करते रहे, सांस पर ध्यान लगा के सोने की प्रोसेस करे।
जब सोने जाए तो वो ऐसा करे और बस ऐसे ही रहे, ऐसे करते करते रहे, करते रहेगा और उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। और आपने हीलिंग क्लींजिंग कर दी है, फिर नेक्स्ट डे बुला लीजिए, 3 से 7 दिन तक उसकी इसी तरह से क्लींजिंग हीलिंग कीजिए, क्लींजिंग हीलिंग कीजिए और उसको बोल दीजिए कि ऐसे करके आपको लेटना है, सोने से पहले ऐसा करना है। रात में नींद खुल जाती है तो कोई बात नहीं, पानी पिए, थोड़ा हल्का फुल्का टहल ले, रिलैक्स कर ले, बैठ के अनुलोम विलोम कर ले, फालतू की बातें ना सोचे, क्योंकि फालतू के विचार दिमाग के अंदर आते हैं तो ब्रेन में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में आग लग जाती है और जहां आग लगी रहेगी वहां शांति नहीं रहेगी, लपटें निकलती हैं मस्तिष्क के अंदर, वो उसे शांत कीजिए, उसको नींद अपने आप आएगी। अगर नींद नहीं आ रही है तो कम से कम परेशान तो नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, कम आएगी लेकिन शांत तो रहेगा, अच्छी भी नींद आने लग जाएगी। ये प्रोसेस कीजिए रेकी के साथ में, कुछ अलग से अपना टेक्निक्स उसको बताइए और यूज कीजिए, तो देखिए खुद को भी फायदा और उसको भी फायदा। कुछ भी जानना हो तो फोन कीजिए।